डॉक्टर संदीप भारद्वाज एमपीटी न्यूरो कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन जेके लॉन एसएमएस हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलेन बेरी सिंड्रोम, जिसे हम जीबीएस के नाम से जानते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनका इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है ये। इसमें डेथ के चांस नहीं होते हैं अगर जब तक कि रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व ना हो, उससे रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तो ही होता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। 90% इसमें हाथ और पैरों के मसल्स कई बार कंप्लीट पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने टाइमली मेडिसिन ली या एडमिट कराया या मेडिकली ट्रीटमेंट लिया 6 to 7 days का, उसके बाद आपको एक्सपर्ट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकली अगर एक्सरसाइजेस करवाई आपने तो ये परफेक्टली ठीक हो जाता है। जैसे भी आप ये केस देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो बच्चा कंप्लीटली नेक के नीचे पूरा पैरालाइज्ड है। वो ना तो अपने पैरों को होल्ड कर पाएगा, ना अपने मूवमेंट कर पाएगा, ना वो उठ पाएगा, ना वो करवट ले सकता है, ना फिंगर मूवमेंट कर सकता है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सही समय पे इन्होंने अप्रोच किया, ये मिले मुझसे अम्बे फिजियो हॉस्पिटल में आके इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और आप देख रहे हैं अभी लाइव आप देखेंगे इसके मूवमेंट आना शुरू हुए हैं। लेकिन इसमें एक पैटर्न होता है मूवमेंट आने का, कि कौन से मसल्स पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, कितनी एक्सरसाइजेस की डोज देनी है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करा सकते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फ्लैसिडिटी है। तो फ्लैसिड कंडीशन में आपको बहुत ऐसे एक्सरसाइजेस जिनका ध्यान रखना होगा, हर जगह पे ही जाके कोई सा भी ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है, आप भी घर पे बिना एडवाइस के कुछ नहीं करेंगे, तो प्रॉपर गाइडेंस में करें, क्योंकि इसमें जॉइंट भी लूज हो जाते हैं, जॉइंट के लिगामेंट और मसल्स लूज होने से जॉइंट सबलक्सेशन होने के भी चांसेस हैं। जैसे आप देख रहे हैं बच्चा बिल्कुल लूज है, बिल्कुल फ्लैसिड हो गई है मसल्स, तो इनको आप रिकवर कैसे करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ये इसके स्टार्टिंग फेजेस हैं, जो थोड़े दिन बाद का मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया जो भी आप देख रहे हैं। इसमें अब बच्चे के देखिए, पहले वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन हैंड मूवमेंट आ गए हैं, और हैंड मूवमेंट आप देखेंगे आए तो हैं लेकिन कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं है प्रॉपरली। ब्रेन अभी कंप्लीट सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ही कैन डू एक्सरसाइज। तो इसमें जो वीकर मसल्स है अब हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मैंने बताया, मोटर फायरिंग बढ़ानी होगी उस एरियाज की जो हमें पहले चाहिए। तो अभी देखिए ये मूवमेंट कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, इसके बाद अभी ये अपने आप को सीधा रख पा रहा है, वो सीधा बैठ पा रहा है, उठाने में उसको सपोर्ट देना पड़ रहा है। अभी आप देखिए ये इसके ग्रिप आने लगी है, वो अपने फिंगर्स को मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में नहीं कर पा रहा है। तो अब जो इसके एक्सरसाइजेस इस समय चली थी वो चेंज हो जाएंगी, स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइजेज चली थी और अब जो चलेंगी इस फेज में वो चेंज हो गई है। अभी आप देखिए वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। नेक्स्ट में अब आप देखेंगे, अब उसके लेग के मूवमेंट भी आने लगे हैं, अब वो पैरों को स्ट्रेट कर सकता है, जो कि पहले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बताया ये कंप्लीट मसल्स को फ्लैसिड कर देता है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम है। रिकवरी इसमें अच्छी होती है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल लोड कम हो जाता है तो रिकवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं आएगी रिकवरी, उसके लिए आपको कराना होगा। अगर सही पैटर्न आप चाहते हो कि लगे ही नहीं, कि बच्चे में ये प्रॉब्लम थी और बाद में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इसमें कभी ऐसा हुआ था, 15 days से इफेक्ट आने लगे थे बहुत अच्छे से, 7 days से भी आ गए थे, लेकिन विद इन अ मंथ इसके मूवमेंट काफ़ी हद तक आ गए हैं। अभी बच्चा खड़ा हो पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे उसके नीज कंप्लीट उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वो खड़ा ही हो रहा है। तो यहाँ पे उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला नीज पे, और स्लाइट सपोर्टेड वॉक उसने शुरू कर दी है। तो अभी आप देख रहे हैं हम किस तरीके से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो मेन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें, सुनिए बच्चे के मुँह से। सबसे अच्छी बात आप देखेंगे बच्चे की जो स्माइल है, ये मेरा मेन मोटिव है। इस समय आप देखेंगे, और पहले के वीडियोस देख रहे थे उसमें ये डिफरेंस है, सब उसके कंट्रोल में है, वो चाहे जैसे मूव कर सकता है, अपने हैंड के मूवमेंट अच्छे से कर सकता है, अपनी ट्रंक को वो बैलेंस्ड कर सकता है, और वॉक भी वो कर सकता है, लेकिन वॉक में आप देखेंगे यस पहले से काफी हद तक अच्छे से वॉक कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद ही मिलें।